जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, खेती में कार्बनिक खाद का बड़ा महत्व है। आज हम एक बहुत ही कारगर खाद के बारे में जानेंगे जो सभी फसलों पर बहुत ही लाभकारी होगी। इस खाद के बारे में जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएँ जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। कौन सी खाद है, कैसे बनती है, इसकी लागत कितनी है, ये सब इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखते रहें जिससे किसी भी ऐसी जानकारी से आप वंचित ना रह जाएं जो आपके लिए लाभकारी हो। दोस्तों, ज़्यादातर लोग रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन इससे लगातार उत्पादन क्षमता कम हो रही है और ज़मीनें भी बंजर होती चली जा रही हैं। ज़मीनें भी बेहतर हों और उत्पादन भी बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए इस कंपोस्ट खाद को आप घर में ही तैयार कर सकते हैं जो बहुत ही कारगर खाद है। इस खाद को बनाना बहुत ही आसान है। जैसे पहले किसान भाई जानवरों के गोबर और घर के कूड़े को इकट्ठा करते थे और जब वो सड़ जाती थी तब उसे आप खेत में डालकर प्रयोग करते थे, इसी प्रकार इसको अब इस नए तरीके से अगर आप बनाएं तो इस खाद की ताकत बहुत ही ज्यादा हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा कारगर होगी। वैसे भी कंपोस्ट खाद सबसे बेहतर खाद मानी जाती है और खेती में इससे ज्यादा उत्पादन किसी और खाद से नहीं होता है। इसमें करना क्या है, पालतू पशुओं के गोबर, मूत्र और उनके वहाँ के अवशेषों के साथ घरों के अवशेष जैसे सब्जी व फलों के छिलके इत्यादि को एक जगह इकट्ठा करना है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें प्लास्टिक पन्नी इत्यादि ना डालें, अगर उसमें है तो आप उसे निकाल दें। अगर आपने गाय पाल रखी है तो इससे और भी ज़्यादा बेहतर खाद तैयार होगी। इस गोबर, मूत्र और अवशेषों को आप जहाँ डालते हैं वहीं पर फैला कर डालें और जब ये 6 इंच का ऊँचा हो जाए तब आप इस पर नीम की पत्तियों को फैला दें। आप अन्य पौधों की पत्तियाँ व घास इत्यादि जो भी आपके पास है वो भी डाल सकते हैं। फिर इस पर आप एक बेस्ट डिकम्पोजर के घोल का स्प्रे कर दें। इसके बाद आप पुनः उसके ऊपर गोबर, मूत्र व अवशेष को डालते रहें। जब 6 इंच ऊंचाई का इकट्ठा हो जाए तब आप इस पर नीम की पत्तियां व अन्य पत्तियों को डालें और फिर इस पर बेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे कर दें। इस प्रकार आप गोबर, नीम की पत्तियां और वेस्ट डिकम्पोजर के घोल को क्रमशः डालते रहें। जब ये 2 से 2.5 फीट तक हो जाए तो आप इस पर वेस्ट डिकम्पोजर का घोल प्रति सप्ताह करते रहें जिससे कि इस पर नमी बने रहेगी और जल्द ही ये खाद सड़ जाएगी। लगभग 3 सप्ताह में ये खाद सड़ जाती है और एक बहुत ही कारगर कम्पोस्ट तैयार हो जाती है। इस कम्पोस्ट खाद को बनाने में आपने देखा होगा कोई भी लागत नहीं लगती क्योंकि ये सब घर में ही होता है। और जहाँ तक वेस्ट डिकम्पोजर की बात रही तो ये भी केवल 20 रुपये में ही आती है। इसे आप राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद से प्राप्त कर सकते हैं और एक बार इस घोल को तैयार करने के बाद घोल से ही घोल तैयार करते रहें और इसका प्रयोग करते रहें, कभी भी ये समाप्त नहीं होती है। वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में जो किसान भाई नहीं जानते हैं वह हमारे चैनल के वीडियो को देख सकते हैं और उनसे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। 1 एकड़ में पारंपरिक कंपोस्ट को लगभग 200 कुंटल तक डाली जाती है और अगर इस खाद का प्रयोग अगर करते हैं तो आप 100 कुंटल ही डालकर खेती कर सकते हैं और उस पर काफ़ी अच्छा असर मिलेगा। इसको कैसे प्रयोग करना है मैं आपको बता देता हूँ। फसल की बुआई से पहले जुताई के समय इस कंपोस्ट खाद को खेत में डालें और जुताई कर लें और उसके बाद आप फसल की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आप खेत में सिंचाई करें तो आप वेस्ट डिकम्पोजर का घोल अवश्य प्रयोग करें जो आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर हो सकती है। इससे किसी भी अन्य खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर इस वेस्ट डिकम्पोजर का आप फसल पर छिड़काव भी करते हैं तो इससे भी बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, 1 गाय और वेस्ट डिकम्पोजर अगर आपके पास है तो उत्पादन की कमी नहीं होगी, लागत भी कम लगेगी और लाभ भी ज़्यादा होगा। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ आप लाइक और शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।